हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई लेक्चर्स मैं डाल चुकी हूँ एसएससी सीजीएल एग्जाम्स रिलेटेड, जो आपका सितंबर में है। और उसी सीरीज में आज मैं अगेन केमिस्ट्री के 50 PYQs लेके आई हूँ। 2019 से 2021 तक 50 PYQs हैं। इसके अलावा और भी इसमें वीडियोज आएंगे, करीब 300 PYQs केमिस्ट्री के हम करेंगे इसमें। इससे पहले भी केमिस्ट्री का एक लेक्चर आ चुका है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। आप इनको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करिए, आंसर दीजिए, और क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला, जे.जे. थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में डैश की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। जे.जे. थॉमसन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ डैश इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। तो वो जो जे.जे. थॉमसन थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का नाम था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। उस दौरान उन्होंने खोज की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो बी है। जे.जे. थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, कार्ल एंडरसन ने। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको एक क्वेश्चन में मिल रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल कंटेन कैरेसाइट एज एन ओर। निम्नलिखित में से किस खनिज में अयस्क के रूप में कैरेसाइट होता है। आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, सिल्वर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन। तो इसका आंसर जो है वो मैग्नीशियम है। कैरेसाइट एक ओर है किसका, कैरेसाइट इज अ ओर ऑफ मैग्नीशियम का ओर है ये। कैरेसाइट इज अ मैग्नीशियम सल्फेट मिनरल है, और इसका प्रोडक्शन एप्सम सॉल्ट के लिए किया जाता है। ये फर्टिलाइजर्स की तरह भी यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज क्लोजेस्ट टू द सेल न्यूक्लियस, इट नेवर मोर देन एन इलेक्ट्रॉन वेयर एन इज इक्वल टू। तो जो आपका पूरा एटम होता है, उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसके बियॉन्ड उनको नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट शेल होती है उसमें 2, उसके बाद सेकंड में 8, थर्ड में 18, इस तरीके से ये भरते हुए जाते हैं। तो वही पूछ रहा है, जो सेल न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस है, सर्कल जो आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के जो बाद जो फर्स्ट सेल है, उसमें जो क्लोजेस्ट सेल है, क्लोजेस्ट टू द सेल न्यूक्लियस, तो उसका नंबर कितना होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है 2। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है 2A। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसमें भरे जा सकते हैं। जैसा कि पहले में 2, सेकेंड में मैंने बताया था अभी आपको 8, उसके बाद 18, इस तरीके से हम फर्दर भरते जाते हैं। ये पूरा आप देख सकते हैं, 2, 8, 18, 32, 18, 1, ये पूरा एक सिस्टम है जिस जिसकी तरीके से हम ये इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं एक एटम स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हु इज द गिवन द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन है जे चैडविक, जेम्स बी जून, ई रदरफोर्ड, जे.जे. थॉमसन। तो करेक्ट आंसर आपका ए है, जे चैडविक। जे चैडविक ने, यानी कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। और एक और जेम्स पी जूल है जिन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे इज बीम ऑफ, कैथोड रे किसकी बीम से बनना होती है, बनी होती है। तो आपका ऑप्शन यानी है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक परमाणु इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मोनो एटॉमिक एंटिटी। मोनो मतलब सिंगल एटम की बनी हुई होती है। तो आपके ऑप्शन याद दिए हैं, फॉस्फोरस, और आपका गोल्ड, सल्फर, हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर है आपका गोल्ड। ये मोनो एटॉमिक होते हैं, और मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम के बने होते हैं। ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी रिएक्शन नहीं करते हैं, और ये अक्रिय गैसों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम ऑफ विच एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन या ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव वाटर। वाटर मॉलिक्यूल को और क्या किस नाम से जानते हैं,
इसे हम डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ होता है। ये आपका देख रहे हैं कि 2021 में क्वेश्चन ये आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एटोमिसिटी व्हाट इज आर्गन? परमाणुता के संदर्भ में आर्गन क्या है? मोनोएटॉमिक होते हैं आर्गन, या पॉलीएटॉमिक होते हैं, या ट्राईएटॉमिक होते हैं, या सिंगल एटम होते हैं? तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से इनको हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। मोनोएटॉमिक मतलब यानी कि इनके ये सिंगल एटम के बने होते हैं या डबल या फिर उससे ज्यादा। तो ज्यादा होता है तो पॉलीएटॉमिक, और सिंगल एटम से बने होते हैं तो इन्हें मोनोएटॉमिक कहते हैं। इसी को एटोमिसिटी कहा जाता है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो एटोमिसिटी ऑफ आर्गन इज वन। एटोमिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं उसी को एटोमिसिटी कहते हैं। और जैसे कि नोबल जो गैसेस होती हैं उन सभी में की एटोमिसिटी क्या होती है? वन होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इन सभी की एटोमिसिटी वन कहलाती है, इसलिए इन्हें मोनो एटोमिक कहते हैं, आपको याद रखना है। एटोमिसिटी क्या है? यानी कि आपका जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, समझ रहे हो आप, एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उनको एटोमिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट एक के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं? हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट? तो आप जब भी पोटेशियम परमैंगनेट देखेंगे उसको पाउडर को जैसे ही पानी में डालेंगे ये आपका वॉलेट कलर का कुछ ऐसा बैंगनी सा हो जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन के जो नंबर पूछा है वो होता है आपका चार होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट या स्टरलाइजेशन वगैरह के रूप में भी लैब्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के फादर किसे कहा जाता है? आपको अच्छे से पता है कि जॉन डॉल्टन को मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर नोन एज बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट? तो ये मैटर की कौन सी स्टेट है आपको बताना है। तो ये फिफ्थ स्टेट मैटर की होती है जिसको हम बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट कहते हैं। यानी कि ये आपके इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके नाम पे ये इस जो मैटर का फिफ्थ स्टेट को नाम दिया गया है। और बाकी की स्टेट क्या होती है आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। और फिफ्थ स्टेट को क्या कहते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसमें क्या किया जाता है, गैस को बिल्कुल एकदम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम कर दिया जाए, एकदम कूल डाउन करके इसको ऑप्टेन किया जाता है इस स्टेट को। ठीक है, तो खैर वो आगे डिटेल की बात है, हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है? ये आपके मैटर की फिफ्थ स्टेट है जिसे कि हम इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें तीन होते हैं। और ये आपको पता है कि हमें हाँ जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारे अर्थ को हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है कौन? और ओजोन की जो पूरी लेयर है वे हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल यूवी रेस से जो सन से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन आपको पता है, ये ओजोन जो है ये O3 के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये ऑक्सीजन के तीन एटम मिलके कंबाइन करके ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल? अगर आपको ये सीरीज पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, या थोड़ा आइडिया है। तो सबसे नीचे जो होते हैं वो गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह, ये आपके अक्रिय गैस है, नोबल गैसेस जिन्हें कहते हैं, या तो वो नीचे आती हैं आपके। और ऊपर जो है हाईली रिएक्टिव है, सबसे ऊपर पोटेशियम है, सोडियम, कैल्शियम, और बीच में ये आपको दिख रहे हैं जिंक, आयरन, टिन, लेड। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव सबसे ऊपर और लीस्ट रिएक्टिव नीचे। अब आपको इसमें पूछा है सबसे मोस्ट रिएक्टिव, अब ऑप्शन में कॉपर, कैल्शियम, आयरन और जिंक दिया है, तो इसके हिसाब से देखें तो हमें जिंक यहाँ पर है और आयरन ये है,
कैल्शियम आपको देख रहा है सबसे ऊपर है, इन दोनों से भी ऊपर है, और कॉपर भी नीचे ही है। तो ये रहा, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो कैल्शियम इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एलिमेंट पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम आर हाईली रिएक्टिव होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एट व्हाट टेम्परेचर डज द आयरन मेल्ट, आयरन किस टेम्परेचर पर मेल्ट करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1538 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन एक केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल Fe होता है और इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। इट इज अ मेटल विच बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड ग्रुप जो होता है ये 8 ग्रुप को बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 8 होता है उससे ये बिलोंग करता है। इट इज फोर्थ मोस्ट कॉमन एटम होता है ये, फोर्थ जो अर्थ की क्रस्ट में मिलता है, और अर्थ की जो आउटर और इनर कोर है वो भी पूरे आयरन की बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच एलिमेंट इज यूज टू मेक कॉइल यूज इन वाटर हीटर? वाटर हीटर में जो कॉइल यूज होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो आपके ऑप्शन है बी, नाइक्रोम की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है और हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इस कॉइल को बनाने के लिए इसमें 80% आपका निकेल और 20% क्रोमियम यूज किया जाता है, जिसको हम निक्रोम वायर कहते हैं या निक्रोम कॉइल कहते हैं। ठीक है, तो ये किसमें यूज होती है? आपकी जो हीटर होते हैं वाटर हीटर, उनमें ये यूज किया जाता है। हाई रेसिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है इसका, किसका? निक्रोम वायर का होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट और कंपाउंड हैव हाईएस्ट डेंसिटी? तो करेक्ट आंसर है ऑस्मियम जो होता है वो हाईएस्ट डेंसिटी वाला एक एलिमेंट है जो नेचुरली अर्थ में पाया जाता है। इसकी डेंसिटी 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। हम मैंने इस प्रेजेंटेशंस में कहीं कहीं पिक्चर्स यूज की है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको ये क्वेश्चन काफी आता है, SSC SP CPO एग्जाम में ये आया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रास मिक्स्ड विद? ब्रास को यानी पीतल किसका मिश्रण होता है? ऑप्शंस यहाँ दिए हुए, करेक्ट आंसर है डी, कॉपर एंड जिंक। पीतल जो है वो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ब्रास इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। और इससे क्या बनते हैं? ज्यादातर आप देख सकते हैं जितने भी यूटेंसिल्स हैं या मंदिर में जो जो बर्तन यूज होते हैं भगवान के यूज के लिए, जैसे घंटा है ये, तो इस तरीके से चीजें ये यूज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यू कॉजेज एक्सप्लोजन इन कोल माइन? कौन सी गैस से कोल माइन में एक्सप्लोजन होता है या विस्फोट होता है? तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन, नाइट्रोजन एंड मीथेन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, मीथेन की वजह से जो कोल माइन से उनमें विस्फोट होता है, जो कोयला जो बनता है, और अगर वो हीट के कांटेक्ट में आ जाता है तो मीथेन गैस वहां पर बनती है, और क्योंकि एयर बहुत कम होती है तो जिस वजह से ये गैस बाहर निकल नहीं पाती मीथेन गैस, और वो क्या होता है, विस्फोट हो जाता है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज यूज टू रेंडर अनकॉन्शियसनेस? निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि आप इससे इसको यूज करके बेहोश भी किया जा सकता है? तो ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर है आपका जिनोन। जिनोन का यूज एक एनेस्थेटिक के रूप में भी किया जाता है, इसकी डिस्कवरी 1939 में की गई थी, और इसको कई तरीके से यूज किया जाता है, कुछ लैंप से लेके जेट प्रोपोलेंट तक में ये जिनोन गैस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानी में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है जिसे कैंसर हो सकता है? तो आर्सेनिक, लोहा, क्लोरीन, फ्लोरीन। करेक्ट आंसर आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है अगर जिस भी पानी में पाया जाता है तो उस जो व्यक्ति है उसको क्या हो सकता है, त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर, और लंग कैंसर, ये सारे किडनी कैंसर, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका AU। आपको याद रखना है AUD। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के भी देख लीजिए। Mg को मैग्नीशियम और Hg को मर्करी और Ag को सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हम रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा देखेंगे,
और निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। इंग्लिश में भी देखिए इसको, अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब हमें इन्हें रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से इनको सेट करना है। तो सबसे पहले तो सोडियम ही होगा, आयरन नहीं आएगा। आयरन आपको पता है ये आपका कहीं बीच में कहीं यहाँ पर आता है, तो सबसे पहले तो सोडियम ही होगा। और उसके बाद आयरन और सिल्वर और गोल्ड आप देख रहे हैं सबसे नीचे पाया जाता है, तो इस वजह से आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिमाग में रखनी है, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, का कलर क्या होता है? कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, कई कई बार इसे व्हाइट भी दिखता है। तो हम देखेंगे कॉपर सल्फेट के गोल का रंग नीला हो सकता है, कई बार ये सफेद भी हो सकता है, ठीक है? तो आप ये नहीं कहेंगे, और सफेद होगा तो वो क्यों होगा? क्योंकि उसमें पानी नहीं होगा, है ना? पानी नहीं होगा, और कॉपर सल्फेट पाउडर अगर हाइड्रेटेड है तो, या पानी है तो वो नीले कलर का होगा, ठीक है? ज्यादातर ये नीले कलर का, अगर पानी है तो नीले कलर का होगा। पानी अगर वहां से, यानी कि वाटर वहां से हटा दिया जाएगा तो ये व्हाइट कलर में हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से एक धातु विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इनमें से कौन सा मेटल है? तो देख के मालूम पड़ रहा है कि जो आयरन है वो आपका एक क्या है, मेटल है, ठीक है? आयरन क्या है? एक मेटल है। डिटेल देख लेते हैं, आयरन इज अ केमिकल एलिमेंट, और इसका सिंबल क्या होता है, Fe। से हमें पहले भी डिस्कस कर चुके, पर आप अगेन इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, और ये किसको बिलोंग करता है? फर्स्ट ट्रांजिशनल सीरीज को बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 8 में ये होता है पीरियोडिक टेबल की, और ये अर्थ की आउटर और इनर कोर में पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच मेटल वाज अर्लियर कॉल्ड वोल्फ्राम, वोल्फ्राम किसे कहा जाता है, पहले कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, टंगस्टन को वोल्फ्राम भी कहा जाता है। टंगस्टन इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्फ्राम, विच इसका सिंबल जो होता है W होता है, और एटॉमिक नंबर 74 होता है। द नेम ऑफ टंगस्टन जो है वो स्वीडिश नेम से आया है, फॉर द मिनरल शीलाइट। टंगस्टन को और क्या कहते हैं? हैवी स्टोन भी कहते हैं, ठीक है? टंगस्टन या भारी पत्थर भी कहा जाता है, और इसके पूर्वी स्वीडिश नाम से ये आया हुआ है। Which of the following is not used in manufacturing of stainless steel, को बनाने में किसका यूज नहीं किया जाता है? आपके ऑप्शन है कार्बन, सल्फर, निकल या क्रोमियम। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, सल्फर का यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज किया जाता है वो देख लीजिए आप, कि जो ग्रुप ऑफ मेटल्स से बना होता है, क्या स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? ग्रुप ऑफ मेटल्स होते हैं जिसमें 11% तो आपका क्रोमियम ही होता है, और इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, निकल, टाइटेनियम सब मिलके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30, टेलेनाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कोबाल्ट एंड डैश, टेलेनाइट कोबाल्ट और डैश का कॉम्बिनेशन है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्रोमियम। टेलेनाइट जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, कोबाल्ट और क्रोमियम का। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट इट गिव्स एन ऑरेंज ग्लो, इट इज कॉमनली यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लाइटनिंग। इनमें से कौन सी आपको गैस लग रही है जो यूज होती है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो फ्लोरोसेंट लाइट निकलती है? क्या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नियॉन या ऑक्सीजन? करेक्ट आंसर है सी, नियॉन। नियॉन गैस के ऊपर से जब इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी तो फ्लोरोसेंट लाइट जो है वहां से इवॉल्व होगी। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा डिटेल। नियॉन गैस जो है वो यूज होती है नियॉन लैंप में। नियॉन लैंप जो है मिनिएचर गैस डिस्चार्ज लैंप कहलाता है, और इस लैंप में एक छोटा सा स्मॉल गैस ग्लास का कैप्सूल होता है जिसके अंदर नियॉन गैस और थोड़ी सी और दूसरी गैसेस का मिक्सचर होता है जो कि लो प्रेशर पे भरी हुई होती है, और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, कैथोड और एनोड। फिर इनमें जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और करंट वहां से गुजरता है तो फिर इसमें से एक ऑरेंज ग्लो डिस्चार्ज होता है, यानी कि फ्लोरोसेंट लाइट निकलती है। आई होप इस आंसर से आप सेटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द इन इट्स प्योर फॉर्म? टंगस्टन, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड। शुद्ध रूप से उनमें से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का सबसे ज्यादा हाई है? करेक्ट आंसर है ए, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है
सबसे ज्यादा हाई है अमंग ऑल द मेटल इन प्योर फॉर्म. टंगस्टन हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और इसका लोएस्ट वेपर प्रेशर होता है, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस खनिज को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है? व्हिच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज फूल गोल्ड, फूल्स गोल्ड. ठीक है, ऑप्शन है क्वार्ट्ज, मैग्नेटाइट, पायराइट या फ्लोराइट. तो करेक्ट आंसर है सी, पायराइट. पायराइट जो है, पायराइट इज कंसिडर्ड मोस्ट कॉमन कॉमन ऑफ द सल्फाइड मिनरल्स. सल्फाइड मिनरल्स में ये बहुत ही कॉमनली पाया जाता है. ये मेटालिक लस्ट्रस होता है थोड़ा सा, और इसका जो टेक्सचर होता है वो येलोइश ब्रासी येलोइश कलर का होता है ये, और ऐसा लगता है गोल्ड जैसा मालूम पड़ता है. और ये वियर सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस, हेंस इट्स फेमस निकनेम इज फूल्स गोल्ड. पायराइट को सल्फाइड खनिजों में सबसे आम माना जाता है, और इसमें चमक होती है, पीला और पीतल जैसा रंग होता है, और इसलिए इसे मूर्खों का सोना नाम दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस. इनमें से कौन सी इनर्ट गैस नहीं है? तो आपको पता ही है नियॉन भी है, हाइलियम भी है, आर्गन भी है, पर हाइड्रोजन एक इनर्ट गैस नहीं है. करेक्ट आंसर है आपका बी, क्योंकि नॉट पूछ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड. तो कंपाउंड तो आपको सिल्वर क्लोराइड भी हो गया, सिल्वर मोनोऑक्साइड भी हो गया, आयरन वाटर भी हो गया जो कि H2O से बना है. आयरन जो है वो एक कंपाउंड नहीं है. तो करेक्ट आंसर सी होगा. तो नेम द ओनली मेटल विच इज एंटीबैक्टीरियल. कौन सा मेटल है जो एंटीबैक्टीरियल है? तो कॉपर, और कॉपर के जो अलॉय हैं वो सभी एंटीबैक्टीरियल मटेरियल्स हैं, और एंशियंट सिविलाइजेशन में इसका बहुत पहले यूज होना शुरू हो चुका था. स्कैंडियम में कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स आर देयर इन स्कैंडियम? करेक्ट आंसर है 13. स्कैंडियम में 13 आइसोटोप्स होते हैं. स्कैंडियम हैज 13 आइसोटोप हुज लाइफ हुज हाफ लाइफ आर नोन. हुज मास नंबर रेंज फ्रॉम 40 से 52 होता है. इनका मास नंबर नेचुरली अकरिंग स्कैंडियम हैज वन स्टेबल आइसोटोप 45 स्कैंडियम. तो ये एक स्टेबल आइसोटोप है स्कैंडियम का, 45 स्कैंडियम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? विच ऑफ द व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जिरकोनियम? करेक्ट आंसर है आपका ए, 91.22. जिरकोनियम इज अ केमिकल एलिमेंट, और इसको जेड आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका एटॉमिक नंबर 40 होता है. ठीक है, और यहाँ पर हमें पूछा है एटॉमिक मास, तो जो कि क्या होता है ए, 91.22 जिरकोनियम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाइन? इनमें से कौन सा कैटाइन है? तो आपके ऑप्शन है अमोनियम, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोरीन. तो आपने देखा होगा जो अमोनिया है उसको NH4 ज्यादातर यहाँ पर लिखते हैं, NH4 ऊपर पॉजिटिव साइन, यानी कि ये क्या है, एक कैटाइन. ठीक है, तो आंसर इसका हो गया ए, अमोनियम कैटाइन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पॉलीएटॉमिक आयन व्हिच केमिकल हुज केमिकल फॉर्मूला इज NH4+. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम आर नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ. तो किसके आइसोटोप्स हैं ये? इजी क्वेश्चन है ये, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या सोना. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज हाइड्रोजन. ठीक है, तो हाइड्रोजन हैज थ्री नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, 1H यानी प्रोटियम, 2H ड्यूटेरियम, 3H ट्राइटेरियम. मोस्ट स्टेबल रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज ट्राइटेरियम. इसकी हाफ लाइफ क्या होती है? 12.32 ईयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ कॉन्स्टेंट टैन कॉपर मेटल एंड अलॉय ऑफ, ये किसका अलॉय है? ठीक है, कॉन्स्टेंट, तो एल्युमिनियम का, टिन का, निकल का या आयरन का? करेक्ट आंसर है आपका निकल का. कॉन्स्टेंट इज अ कॉपर निकल अलॉय नोन एज, इसको यूरेका भी कहते हैं और इसको एडवांस फेरी भी कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तांबे की परमाणु संख्या क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज,
25, 28 है 29। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर है डी 29, यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ लॉजिस्टिक, तो क्लोरीन ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम और आर्गन, ऑक्सीजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम। निम्नलिखित में से कौन संभारकों की जोड़ी है, संभारकों की जोड़ी है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका कैल्शियम और आर्गन आर आइसोबार्स। ये है एक आइसोबार्स है बिकॉज दे हैव सेम मास नंबर, इसका सेम मास नंबर है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम, लिथियम का एटॉमिक वेट क्या है, तो आपके ऑप्शंस के हिसाब से करेक्ट आंसर है डी, लिथियम का एटॉमिक वेट है 6.941 amu ग्राम पर मोल। आप देख रहे हैं सारे एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45। तत्व आइंस्टाइन का परमाणु क्रमांक क्या है, यानी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट आइंस्टाइनियम, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है ए 99। ठीक है, इसको ई एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ई एस से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 99, और ये एक्टिनॉइड सीरीज में आता है पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 46 है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ आर्सेनिक का केमिकल सिंबल क्या है, तो ए एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए आर क्या है, ये आर्गन हो गया, और ए सी क्या हो गया आपका, एक्टिनियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि आप पारा नहीं यूज कर रहे हैं, मर्क्यूरी नहीं यूज कर रहे हैं, तो क्या यूज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मामीटर, सेलेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमियम या गैलेस्टीन, तो गैलेस्टीन यूज किया जाता है डी, गैलेस्टीन ए थर्मामीटर में पारे की जगह यानी मर्क्यूरी की जगह यूज किया जाता है, इसमें गैर विषैले गुण यानी कि टॉक्सिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द सिंबल ऑफ टिन का सिंबल क्या है, तो करेक्ट आंसर आपका ए है SN, SN को टिन कहते हैं, SN को टिन कहते हैं, SI को सिलिकॉन, TA को टेंटुलम और TI को टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सबसे दुर्लभ विच इज द रेयरेस्ट एलिमेंट कौन सा है, एस्टेटिन, रेडॉन, यूरेनियम या लिथियम, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर है ए एस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड्स, इनमें से मेटलॉइड कौन सा है, तो करेक्ट आंसर है सी सिलिकॉन जो है वो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें दोनों ही प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल की। ये आपके मेटलॉइड की पूरा एक सीरीज है जो आपको याद रखनी चाहिए, बोरॉन, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन, तो ये सारे आपके मेटलॉइड्स हो गए। क्वेश्चन हो गए 50, और आई होप आपको पसंद आए होंगे, और भी क्वेश्चंस लेके आती रहूंगी मैं। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई सुझाव हो तो जरूर उनको लिखिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।